तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं इस प्रिंटर में लीगल पेज से A4 की सेटिंग, यानी कि मेरे पास लीगल पेज नहीं था दोस्तों, इसलिए मैंने एक अखबार की कटिंग ली है जो लीगल साइज की है। आज हम दोस्तों लीगल पेज से A4 की सेटिंग जानेंगे इस प्रिंटर में कैसे की जाती है, यानी कि हम इस लीगल पेज को A4 पे प्रिंट कैसे करें, उस चीज़ की हम सेटिंग आपको आज बताने वाले हैं। और देखते हैं लीगल से A4 की सेटिंग कैसे करते हैं। जो इसका गिलास है वो लीगल साइज का है, लीगल साइज तक का पेपर ये स्कैन करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको ये देख सकते हैं दोस्तों लीगल, यानी कि जो स्कैनर है इसका लीगल तक स्कैन करता है। मैंने यहाँ पे एक अखबार की कटिंग रखी है दोस्तों जो लीगल पेज तक की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं स्कैनर को करता हूँ बंद और आपको दिखाता हूँ इसकी सेटिंग कैसे करते हैं। हमें सबसे पहले मेन्यू फंक्शन पे जाना है, पेपर सिलेक्शन करना है, यानी कि जिस पेज पे हमें प्रिंट करना है, हमें A4 पे प्रिंट करना है। A4 को सिलेक्ट करने के बाद जूम पे जाएंगे दोस्तों, जूम को ऑटो कर देंगे। ऑटो करने के बाद फिर मेन्यू क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे और 6 नंबर पे जो ऑप्शन है ओरिजिनल साइज, उसको हम दोस्तों कर देंगे लीगल। यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों लीगल का, 9th नंबर पे है लीगल, इसको हम कर देंगे ओके और हमारी दोस्तों सेटिंग जो है वो हो चुकी है। तो दोस्तों हमारी सेटिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लीगल पेज से A4 पे हमारी ये कॉपी आएगी, जूम को हमने ऑटो पे रखा है, पेपर हमारा A4 सेलेक्ट है। तो दोस्तों अब हम सीधा प्रिंट की कमांड देंगे, प्रिंट का बटन दबाते हैं, स्कैन होएगा पहले, प्रिंटर अब जो हमने जो अखबार की कटिंग रखी है उसको स्कैन करके यहाँ पे प्रिंट निकाल रहा है। ये देखिए दोस्तों, इसने कुछ ऐसा प्रिंट निकाला है और मैं आपको अखबार भी उठा के दिखा देता हूँ। ये हमारी दोस्तों अखबार की कटिंग है, ऊपर से देख सकते हैं आप, नीचे तक आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पेज से ये काफ़ी बड़ा पेज है और इसने A4 पे इसको सेट कर दिया है। ये लीगल पेज है दोस्तों, आप देख सकते हैं, और ये हमारा लीगल पेज को स्कैन करके A4 पे आ चुका है। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों आपको किसी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।